हाई एवरी वॉन माई ने मे स्नीतू कल हमने पढ़ा था मीन एंड स्टैंडर्डाइवेशन के बारे में एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सो आज वी विल स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ओके सो सो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट क्या होता है दैट दिस इज कंटिन्यूस प्रोबॉबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंटीनीूस uh, मीन्स कल हमने बात की थी डिस्क्रीट होता है एक डिस्क्रीट सीरीज और एक होता है कंटीन्यूस सीरीज डिस्क्रीट मीन्स दैट काउंट्स द होल नंबर्स होल नंबर्स लाइक टेन फिफ्टी सिक्सटी लाइक दैट एंड कंटीन्यूअस इज लाइक सिक्सटी टू पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फाइव ऑल द डिसिमल थिंग्स वी स्टडीज इन कंटीन्यूस पार्ट ओके सो नेक्स्ट फर्स्ट प्रॉपर्टीज हियर इज़ कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लाइक हाइट वेट एक्सेट्रा वी कैन मेजर देन परफेक्टली सिमेट्रिकल एंड बेल शेप्ड बेल शेप्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कव जो होता है वो बेल शेप्ड होता है लाइक दिस ओके सो दिस इज द बेल शेप्ड कव और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कव वी कैन से सो देर इज यूनीमोडल डिस्ट्रीब्यूशन ओनली वन मोड इज दायर दिस इज़ यूनिमोडल ओके नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूनीमोडल ओनली मोड इज देयर दिस इज इक्वालिटी देर इज इक्वल बिटवीन मीन मोड़ एंड मीडियन यहाँ पे है मीन मोड़ यही पे मीन इक्वल टू मीडियन इक्वल्स टू मोड़ दिस इन दिस पॉइंट ओके सो असिमटोटोटिक टू द बेस्ट लाइन इट हाज टेंडेंसी टू टच द बेस्ट लाइन बट इट नेवर टच द बेस्ट लाइन ये असीम्टोटोटिक होता है कैसे जैसे कि दिस मतलब ये लगता है कि ये बेस लाइन को टच करता है बट इज डज नॉट टच द बेस्ट लाइन सो दैट इज़ वाई दिस इज़ असीम टू मैटिक टू द बेस्ट लाइन इट हैज टेंडेंसी टू टच बट इट नेवर टच द बेस्ट लाइन ओके आई होप यू गेटिंग दिस देन रेंज इज़ माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी हियर द रेंज कैन बी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनीटी देन टोटल एरिया इन द नॉर्मल कर्व इज़ वन बिकॉज मीन मेडियम मोड सब इक्वल होता है सो द टोटल एरिया इन द नॉर्मल कर्व इज़ वन इक्वी डिस्टेंस क्वाटाइल यहाँ पे क्वाटाइल कैसे होता है यहाँ पे क्वाटल डेविएशन इज इक्वल टू टू थर्ड ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन इज इक्वल टू फोर फिफ्थ ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन क्वाटल डेविएशन हम बोलते हैं जिसको अगर इसको हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में उसके प्रॉपर्टीज में आता है दैट क्वाटल डेविएशन इज इक्वल टू टू अपन थ्री ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन इज इक्वल टू फोर बाई फाइव ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ओके सो देर इज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम किसको बोलते हैं जहाँ पे दिस राइज राइजिंग पॉइंट और हेयर इट इज़ द डिक्लाइनिंग पॉइंट सो दिस टू पॉइंट इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ओके देर आर टू पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन इसको बोलते हैं हम वन सिगमा एंड माइनस वन सिगमा माइनस वन क्यों क्योंकि देखो ये ये जो बीच में ये होता है ज़ीरो यहाँ पे होता है वन टू थ्री फोर यहाँ पे होता है माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री सो ये माइनस वन है दैट मीन्स हियर हियर दिस इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट हियर दिस इज द इन्फ्लेक्शन पॉइंट ओके सो दिस इज़ द थिंग देन मेन पैरामीटर्स इज़ वन इज मीन एंड अनदर इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन सो दो पैरामीटर्स होते हैं एक होता है कल भी हमने पढ़ा था इसमें सो वन इज़ मीन एंड अनदर इज स्टैंडर्ड डेविएशन ओके सो नेक्स्ट इज़ एरिया अंडर द करव यहाँ पे एरिया जो है इसको इस इसकी वैल्यू है ठीक है सो मैं जब भी लास्ट uh, में हमने पढ़ा दैट uh, ये जो बीच का होगा ये जीरो होगा एंड इसके बाद सारे पॉजिटिव में रहेंगे वैल्यूज़ एंड इसमें नेगेटिव में वैल्यूज़ रहेंगे सो हेयर वन टू थ्री फोर एंड माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड माइनस फोर सो हेयर द एरिया बिटवीन दिस एरिया बिटवीन दिस इज़ सिक्सटी एट पॉइंट टू सिक्स एरिया बिटवीन दिस इज़ 95.45 and area between this एंड एरिया बिटवीन दिस इज़ ठीक है माइनस वन टू प्लस वन के बीच में सिक्सटी एट माइनस टू एंड प्लस टू के बीच में नाइन्टी फाइव पॉइंट फोर फाइव एंड माइनस थ्री एंड प्लस थ्री के बीच में नाइन्टी नाइन पॉइंट सेवन थ्री ओके सो एग्जांपल हम एक लेके के देख सकते हैं दैट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसका फॉर्मूला जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था दैट जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू बाय स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स माइनस म्यू एक्स इज़ आवर अरिथमेटिक मीन म्यू इज़ आवर पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ठीक है सो so, uh, इसको वैल्यू पुट करके इसका आंसर आ गया जीरो पॉइंट सेवन फाइव सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दैट इज़ इक्वल्स टू आवर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू आवर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन न वट इज़ डाटा डाटा कलेक्शन ऑफ़ रॉ फैक्ट्स डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ़ द रॉ फैक्ट्स जो कि हम डाटा कलेक्शन करते हैं वो ऑरिजिनल होता है वो टोटली totally, जैसे कि प्राइमरी डाटा हो गई ये तो वो क्या होता है वो एकदम ओरिजिनल रॉ फैक्ट्स होता है उसको हम स्टडी करते हैं सो so, यहाँ पर डिफरेंस दिखाया गया है डिस्क्रिक्ट और कंटिन्यूस सीरीज के बीच में सो व्हाट इज डिस्क्रिक्ट सीरीज डिस्क्रिक्ट मीन्स डिस्ट्रिक्ट डिस्क्रिक्ट मीन्स डिस्टिंगट और सेपरेट सेपरेट मीन्स अलग अलग होना तो वो होता है डिस्क्रिक्ट जैसे कि फाइव हो गई एक नंबर सिक्स हो गया एक नंबर सेवन हो गया एक नंबर एट हो गया अपटू एनी सो देट इज़ वाई वी कैन से होल नंबर कम्स इन डिस्क्रिक्टीरीज एग्जाम्पल स्टेट्स इन ए कंट्री जैसे कि आसम हो गया मेघालय मणिपुर तमिलनाडु छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश ये सारे क्या हो गए स्टेट्स हो गए तो ये होल है ठीक है सो इट डज नॉट इंक्लूड एनी फ्रैक्शन एंड डेसिमल सो डिस्क्रिप्ट में हम फ्रैक्शन एंड डेसिमल को कैलकुलेट नहीं करते हैं फ्रैक्शन एंड डेसीमल्स को हम नहीं लेते हैं सो दिस इज़ ब्रोकन डाटा आइसोलेटेड डाटा एंड सेपरेट डाटा ये सेपरेट डाटा होता है दैट मीन्स अलग अलग डाटा होता है ओके सो डाटा विच कैन बी काउंटेड जिसको हम काउंट कर सकते हैं दिस इज़ कैटेगरिकल सो इट इज़ क्वालिटिटिव सो ये क्वालिटेटिव होता है दैट मीन्स अगर क्वालिटिटिव में अगर हम क्वालिटेटिव अगर हो सकती है ये तो क्वान्टिटी नंबर बेस्ड नहीं है तो इसके हम कैटेगरी करते हैं क्वालिटेटिव जो होता है वो कैटेगरी बेस्ड होता है तो कैटेगरी में लेट्स अगर जेंडर कोई कैटेगरी है तो इसको हम करते हैं मेल फीमेल एंड अदर्स या फिर अगर कोई कैटेगरी uh, में हम क्या लेते हैं जैसे कास्ट बेस्ड कैटेगरी हो गई कैस में तो वो तीन टाइप्स हो जाती है या फिर अभी चार पांच भी हो गई है एस सी एस टी और एक है हमारा रिजर्व रिजर्व कैटेगरी जो जनरल होता है और ई डब्ल्यू एस और पी डब्लू पी डब्लू डी पी डब्ल्यू डी कैंडिडेट्स तो दैट मीन्स ये हो गई हमारी कैटेगरी जो कि डिस्क्रीट सीरीज में होता है और कंटीन्यूस सीरीज में क्या होता है डाटा विच कैन बी मेजर्ड मेजर्ड इन कंटीन्यूस डाटा लेट्स से हियर इज़ टू उसके बाद आएगा टू पॉइंट फाइव इसके बाद आएगा थ्री देन आएगा थ्री पॉइंट फाइव देन आएगा फोर फोर पॉइंट फाइव ओके ये डेसिमल्स को कैलकुलेट करता है सो फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स आर इंक्लूडेड एग्जाम्पल हाइट हो गई वेट हम पूछते हैं वेट कितना है या फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव या फिर फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव ओके कैन टेक एनी डेसिमल एंड दिस इज़ अनब्रोकन डाटा ठीक है ये वही सेम चीज़ को इसको थोड़ा ये करके लिखा हुआ है वेन प्लॉटेड ऑन द ग्राफ एक्यूरेसी इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट इन discrete discrete सीरीज इट रिक्वायर्स काउंटिंग द कलेक्ट discrete डाटा इसको क्या काउंट करना पड़ता है सो so, इन continuous सीरीज इट रिक्वायर्स कलेक्ट continuous डाटा मेजरमेंट डिवाइस चाहिए जैसे कि हम वेट मेजर कर रहे हैं वेट मेजर करने के लिए वेइंग स्केल चाहिए और हम लेंथ लेंथ चाहिए हमें तो उसका हम वो यूज़ करते हैं ठीक है तो ये होता है मेजरमेंट डिवाइसेस चाहिए और इसको सिर्फ हमें काउंट करना है जैसे वन टू थ्री वन टू थ्री फोर ये सब हो गया डिस्क्रिप्ट में और कंटिन्यूस में क्या होगा कोई मशीन चाहिए होगा कोई डिवाइस चाहिए होगी जैसे हम टेम्परेचर यूज़ करते हैं तो थर्मोमीटर हमें चाहिए होगा तो इस हिसाब से देन एक्यूरेसी इज़ नॉट मच इम्पोर्टेंट इन डिस्क्रिट सीरीज़ क्योंकि डिस्क्रिट सीरीज़ हमारी कैटेगरी डिस्क्रिट सीरीज़ हमने पढ़ा कि वो क्वालिटेटिव होता है तो एक्यूरेसी इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट क्योंकि वहाँ पर कैटेगरी भी आ जाती है ठीक है बट हेयर एक्यूरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम एग्जैक्टली exactly सारे फिगर्स को सारे नंबर्स को पढ़ रहे हैं सारे डेसिमल को पढ़ रहे हैं दैट इज़ वाई वेन प्लॉटेड ऑन द नेक्स्ट पॉइंट इज़ वेन प्लॉटेड ऑन द ग्राफ में फॉर्म एनी पैटर्न यहाँ पर अगर कोई भी हम Uh, मतलब ऐसे नंबर लिखेंगे तो यहाँ पे कोई भी पैटर्न ऐसे ड्रॉ हो सकता है वेन प्लॉटेड ऑन ए ग्राफ ए पैटर्न फॉर्म इधर इन्हें स्ट्रेट लाइन और इन इन्हें कर्वी लाइन तो यहाँ या तो ये स्ट्रेट लाइन होगा या तो ऐसे ये कर्वी लाइन होगी ठीक है बिकॉज एवरी नंबर काउंट ना एवरी पॉइंट काउंट दैट इज़ वाई सो एक्सप्रेसड इन होल नंबर्स आर नॉट इन फ्रैक्शंस ये एक्सप्रेस ये भी पढ़ा हमने कि एक्सप्रेस होता है टोटल नंबर्स में ये होता है कैन टेक एनी वैल्यू इंक्लूडिंग फ्रैक्शन एंड डेसिमल फ्रैक्शन भी लेगा और डेसिमल भी लेगा इंक्लूड बोथ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ और यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटेटिव हियर इज़ नॉट क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव इज नॉट हियर ओनली क्वांटिटेटिव दैट मीन्स न्यूमेरिकल देन इट इज़ काउंटेबल दिस इज मेजरेबल मेजरेबल डिवाइस चाहिए दिस इज ब्रोकन एंड दिस इज़ अनब्रोकन डाटा ओके नेक्स्ट इज़ इम्पोर्टेंट टर्म्स इन स्टैटिस्टिक्स ये जो भी स्टैटिस्टिक्स का बच्चा है या फिर जो भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं जो भी पता है ना थोड़ा बहुत तो ये सारे टर्म्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के सो व्हाट इज़ पॉपुलेशन पॉपुलेशन इज द होल ग्रुप ऑफ पीपल ऑन विच स्टडी इज कंडक्टेड जैसे कि लेट से हम कोई कंपनी की बात कर रहे हैं या फिर कोई एक मान लो कोई एक मिल्क प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं ठीक है तो दैट मीन्स ये जो प्रोडक्ट कहाँ पे बेचा जाता है ये जो जो भी प्रोडक्ट्स होता है वो अल्टीमेटली लोगों के लिए होता है क्योंकि कंज्यूमर होता है पॉपुलेशन मतलब बहुत सारे लोग होते हैं कंज्यूमर तो ये जो स्टडी करते हैं कोई भी चीज़ का हो गया कोई प्रोडक्ट हो गई कोई भी न्यू थिंग हो गई तो इसको इन्वेस्टिगेशन जो होती है जो स्टडी होती है वो टोटल पॉपुलेशन को लेके होती है तो टोटल पॉपुलेशन लेट से अभी बहुत वन करोड़ फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोग हैं हमारे देश में तो अभी इन सारों को तो लेके हम स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारा लोग हैं बहुत बहुत से लोग हैं तो क्या होता है वो अगर लेट्स से लेट्स टेक एन एग्जांपल अगर हमारे देश में या फिर कोई पर्टिकुलर सिटी में जहाँ पे हम ये स्टडी करना चाहते हैं कोई प्रोडक्ट के बारे में कोई डिवाइस के बारे में कोई Uh, कोई जगह के वेदर के बारे में तो क्या कर सकते हैं उसके जगह की जो पॉपुलेशन है लेट्स से वो टू लैक्स ,00 है अगर सैम्पल हम लेंगे वो हम टू थाउजेंड लोगों को लेके हम अपना सैम्पल दिखेंगे कि ये टू थाउजेंड लोग जो है जो है दिस रिप्रेजेंट्स दी द टू लैक पीपल दिस स्मॉल सैम्पल दैट रिप्रेजेंट सैम्पल रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन और होल पॉपुलेशन ठीक है सैम्पल प्रेजेंट रिप्रेजेंट करता है किसको रिप्रेजेंट करता है होल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू टेक ऑल द टू लैक पीपल फॉर स्टडी इनी थिंग सो दैट इज वाई वी टेक सैम्पल एज टू हंड टू थाउजेंड पीपल एज अ सैम्पल स्टडी ओके जो पॉपुलेशन हो गई वो होल हो गई और जो सैम्पल हो गई पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन यू टेक टू स्टडी इज कॉल्ड सैम्पल समझे दैट मीन्स जो पोर्शन हम पॉपुलेशन से ले रहे हैं फॉर स्टडी सैम फॉर स्टडी दैट इज़ आवर सैम्पल जैसे कि यहाँ पे फिफ्टी थाउजेंड है टोटल पॉपुलेशन और हम फाइव हंड्रेड ले रहे हैं सैम्पल फॉर फ्रॉम द पॉपुलेशन ठीक तो नेक्स्ट इज पैरामीटर पैरामीटर क्या होता है यहाँ पे पैरामीटर इज़ एनी न्यूमेरिकल वैल्यू एसोसिएटेड विद द पॉपुलेशन कोई भी चीज़ uh, जो कि एसोशिएट होता है पॉपुलेशन के साथ दैट इज़ आवर पैरामीटर यहाँ पे पैरामीटर जो होता है उसको हम पॉपुलेशन बोलते हैं और सैम्पल जो होता है वो स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं ठीक है सो so, यहाँ पे स्टैटिस्टिक इज़ न्यूमेरिकल मेजर विच डिफाइंस द सैंपल स्टैटिस्टिक इज़ द न्यूमेरिकल मेजर दैट डिफाइंस द सैंपल The, the numerical measure which defines the sample and parameter is which is associated with the population, and statistic is the numerical measure which defines with the sample. Okay, next is.

क्वालिटेटिव चीज़ को हम नंबर्स में प्रेजेंट नहीं कर सकते दैट इज़ वाई दिस इज़ कैटेगरी एंड क्वान्टिटेटिव इज न्यूमेरिकल क्योंकि हम इसको न्यू नंबर्स में स्टडी uh, कर सकते हैं सो so क्वालिटेटिव जो हो गई वो टू टाइप्स हो गई एक है नोमिनल एक है ऑर्डिनल और क्वान्टिटेटिव जो हो गई वो है डिस्क्रिक्ट और है कंटिन्यूस सो नोमिनल जो हो गई वो जैसे कि कैटेगरी बेस्ड होती है नोमिनल कैटेगरी हम करते हैं जेंडर हो गई मेल फीमेल और uh, uh, मेल फीमेल एंड अदर्स ठीक है वो वो हो गई कैटेगरी एंड ऑर्डिनल होता है रैंक बेस्ट एंड आप ऑर्डर कर रहे हो ऑर्डर मतलब फर्स्ट या सेकेंड या थर्ड वो ऑर्डर सेक ठीक है एंड ये हो गई रैंक देन क्वालिटेटिव जैसे कि हमने पढ़ा वन है डिस्क्रिक्ट अनदर है कंटिन्यूस जैसे कि होल में जो नंबर्स आते हैं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व ये हो गई होल और अगर हम बोलेंगे फिफ्टीन आफ्टर फिफ्टीन इज फिफ्टीन पॉइंट फाइव फिर इसके बाद 16, 16.5, सो so ये डेसिमल और पॉइंट्स में आता है या फिर डेसिमल में आती है फ्रैक्शंस में आती है तो ये होती है कंटिन्यूस सीरीज़ ओके सो आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो एंड आई कम अप विद द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक दिस एंड सब्सक्राइब